बिहार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में निश्चित रूप से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन जैसी बातें आती है। अगर आप भी बिहार के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक है। बिहार भारत के उन राज्यों में से है जहाँ भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। बिहार एक ऐसा स्थान है जहाँ आप देश के पुराने दिग्गजों का पता लगा सकते हैं और यह स्वीकार कर सकते हैं कि भारत को स्वर्ण पक्षी क्यों कहा जाता है। तो आइए रूबरू होते हैं बिहार के अनोखे इतिहास से। नंबर वन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म स्थान। जी हाँ, बिहार दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ दो सबसे लोकप्रिय धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जन्म लिया और समृद्ध हुए। क्या आपको पता है, बिहार ही वह स्थान है जहाँ अहिंसा की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ये सब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक थे। नंबर टू, सबसे पुराना हिंदू मंदिर। पटना से 210 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को देश का सबसे पुराना कार्यात्मक हिंदू मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर देवी शक्ति और भगवान शिव को समर्पित है और हर साल हजारों पर्यटकों और हिंदू भक्तों द्वारा इसे अक्सर देखा जाता है। नंबर थ्री, IAS अधिकारियों की भूमि। आज यह वास्तव में सत्य है कि बिहार IAS फैक्ट्री है। जी हाँ, जिस राज्य को अक्सर अनपढ़ लोगों की भूमि कहा जाता है वह देश के इतिहास में सबसे अधिक IAS अधिकारियों को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए बिहारियों को मेहनती और मेहनती लोगों का समूह कहना गलत नहीं होगा। नंबर फोर, स्वादिष्ट व्यंजन। एक और चीज़ जिसके लिए बिहार को सभी के बीच जाना चाहिए वह है इसके स्वादिष्ट व्यंजन। ऐसे ही लिट्टी चोखा की लोकप्रियता है जो बिहार आने वाले हर पर्यटक और यात्री अपने होंठ स्मूदी स्वाद के लिए बाध्य हैं। और अन्य व्यंजन जिसके लिए इस ऐतिहासिक राज्य को जाना जाता है उनमें घुघनी, ढसका, पीत और कढ़ीवाड़ी भी शामिल है। नंबर फाइव, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह 600 वर्षों तक फला और फूला, लेकिन बाद में एक आक्रमण के दौरान मामलुक वंश के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। नंबर सिक्स, राष्ट्रपिता। क्या आपको पता है, मॉरिशस के सबसे पहले प्रधानमंत्री शिबू सागर राम गुलाम बिहार से ही थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और देश के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया है, पर उन्हें व्यापक रूप से राष्ट्रपिता के रूप में ही जाना जाता है। नंबर सेवन, भारतीय राजनीति की रीढ़। आप बिहार के बिना भारतीय राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकते। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। बिहार प्रमुख राजनीतिक शख्सियतों की भूमि है, जैसे जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार आदि। नंबर एट, दुनिया का पहला गणराज या गणतंत्र। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक 6वीं सदी से पहले बिहार के वैशाली में ही दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र यानी गणराज कायम हुआ था। आज जो लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस और लोअर हाउस की प्रणाली है, जहां सांसद जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ये प्रणाली भी वैशाली के गणराज में ही था। वहां उस समय छोटी छोटी समितियां होती थी जो गणराज के अंतर्गत आने वाले जनता के लिए नियमों और नीतियों को बनाते थे। नंबर नाइन, दुनिया की सबसे लंबी वाईफाई रेंज। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यह नहीं जानते होंगे कि बिहार के पटना में दुनिया की सबसे लंबी वाईफाई रेंज है जो 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नंबर 10, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल नवंबर से दिसंबर महीने में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। इस मेले में खिलौने से लेकर पशु पक्षियों को भी बेचा जाता है, जहाँ हाथी, घोड़ा और अन्य कई जानवरों को बेचा जाता है। सो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्टेज बाबा।